हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वुडवर्किंग टिप्स में। आज बात करेंगे आरी के दार कैसे लगाई जाती है। तो काफ़ी सारे मिस्त्री हैं जिनको पता है आरी के दार कैसे लगाई जाती है। जो नए काम सीखने वाले कारपेंटर हैं, जो छोटे मिस्त्री भाई हैं हमारे, उनको आरी के दार कैसे लगाई जाती है, सही तरीके से दार कैसे लगाई जाते हैं ताकि हमारी आली नहीं चले नहीं दौड़े, ऐसी दार लगा के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये देख लीजिए, हमने आरी ले लिए और ये कानस लेनी है आपको। कानस ये बिल्कुल मैंने नई वाली ली है क्योंकि मैं इसको दो बार धार लगाऊंगा और ये कानस को यूज़ नहीं करूंगा, इतना अच्छे से काम करती नहीं है। तो आपको भी दो तीन बार धार लगा के कानस हमेशा चेंज कर लेनी है आपको। तो ये लकड़ी का टुकड़ा ले लिया है, ये हथौड़ी ले ली है और मैंने 17 सवा की 2 खिल्ली ले ली है। तो अब सिंपल आपको करना क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको लकड़ी के टुकड़े पर ऐसे रखना है आरी, और फिर आपको आरी इस लकड़ी के टुकड़े से दो दो सूत निकालनी है, खाली 1.5 सूत, 2 सूत ही ऊपर निकालनी है खाली। ये देख लीजिए, इस प्रकार मैं इसको खिल्ली में फिक्स कर लूँगा। अगर आपके पास वाइस है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, मेरे पास वाइस नहीं है तो मैं देसी जुगाड़ करूँगा। एक साइड खिल्ली मार ली है मैंने और ये मैं अब खिल्ली को आपको ऐसे बेंड कर देना है ताकि ये आरी नीचे नहीं जाए हमारे धार लगाते समय। ये देखिए, ये दो दो सूत ऊपर निकल रही है। अब आपको धार कैसे लगानी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। धार लगाने का एक तरीका अलग होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये तरीका। अगर ऐसे ऐसे करते हैं तो आपको ऐसे नहीं करना है क्योंकि ये आपके दांते बिगाड़ सकती है। आपको रिटर्न नहीं करना है, एक साइड ही चलाना है, सामने की साइड ही धक्का देना है हमेशा आपको इस प्रकार। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके सारे दांते बिगड़ सकते हैं, धार इतनी अच्छे से लगेगी नहीं, आरी चलेगी नहीं। आपको कैसे लगानी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये देख लीजिए, आपको इस प्रकार धार लगानी है, सामने की साइड ही आपको धक्का मारना है। हाँ तो आप समझ गए होंगे, सामने की साइड ही आपको धक्का मारना है, वापस रिवीस में नहीं खींचना है, दांते ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं इसको पूरी तरीके से एक बार धार लगा लेता हूँ, फिर आपको लकड़ी काट के दिखाऊंगा। हाँ तो दोस्तों, देख लीजिए किस प्रकार धार आई है, पूरे दांते देखिए चमकने लग गए, एकदम शार्प तरीके से धार लग चुकी है इस पर। अब मैं आपको लकड़ी का टुकड़ा काट के दिखाता हूँ कितना इजी करता है। हाँ तो दोस्तों, देख लीजिए, ये मैंने लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, काफ़ी मोटा टुकड़ा है ये। अब मैं आपको इसे काट के दिखाने वाला हूँ, जो हमने अभी ये धारी के आर लगाई है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ कटिंग किया इसने। और ये काफ़ी मिस्त्री हैं जिनको पता चल गया होगा धारी लगा आरी के धार लगने के बाद ये बुरादा किस प्रकार निकला, और ये कटिंग एकदम कितनी फास्ट और स्मूथ हुई। ये देख लीजिए,
हाँ तो दोस्तों इस प्रकार आप भी अपनी आरी में दार लगा सकते हैं, काफ़ी सिंपल ट्रिक है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।